नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेनू चौहान। और वक्त हो चुका है इस वक्त की ताजा तरीन बड़ी खबरों का। भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर सख्त हुआ अमेरिका, कहा खत्म करो अपनी जमीन से आतंकी ठिकाने। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक को सराहा और कहा कि हमारी सेना हर तरह से सक्षम है और हमारी सेना ने 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत का बदला लगभग 400 आतंकी को मारकर लिया है। पुलवामा पर आतंकी हमले के 13वें दिन भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाने से पाकिस्तान बौखलाया। उसकी ओर से सीमा पार पर लगातार फायरिंग की जा रही है। इस दौरान जैश ए मोहम्मद पर सुरक्षा बलों का एक और प्रहार, शोपियों में 2 आतंकी ढेर। पाकिस्तान को महंगी पड़ी एलओसी पर गुस्ताखी, भारत ने तबाह की 5 चौकियां। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद डरे पाकिस्तान ने सियालकोट सेक्टर में टैंक का भी इस्तेमाल किया। 1971 की लड़ाई के बाद भारतीय वायुसेना ने 2019 यानी 48 साल बाद फिर तोड़ा पाकिस्तान का गुरूर। पाकिस्तान इस भ्रम में जी रहा था कि भारत 1971 जैसा हमला हरगिज नहीं करेगा। भारतीय सेना द्वारा हुए एयर स्ट्राइक के बाद लाचार हुआ पाकिस्तान, चाहकर भी भारत को नहीं दे सकता जवाब। इस्लामाबाद में बैठकों का दौर जारी, लेकिन पाकिस्तान के पास विकल्प सीमित। सुषमा स्वराज ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग के बाद भी पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद समेत अन्य आतंकी संगठनों पर गंभीर करने की बजाय हमले की जानकारी होने से इनकार किया और जैसे मोहम्मद के कबूलनामों को भी नहीं माना। इमरान खान अरविंद केजरीवाल का वीडियो हुआ वायरल, भारतीय वायुसेना के जैसे मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर जोरदार रिस्पांस आ रहा है। अब ट्विटर पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को लेकर कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमलों को झूठा करार दिया है। उन्होंने दावा किया यह 5 दिन से पता था कि उन्होंने पाकिस्तान से साठ गांठ कर ली है और एक खाली घर पर कुछ बम गिराने का निर्णय लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को एक नया खेल बताया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा जैसे मोहम्मद की शिविरों पर किया गया हमला बिल्कुल नया खेल है, क्योंकि यह पहली बार है जब शांति काल में पड़ोसी देश में आतंकवादियों पर हवाई हमला किया गया है। फिलहाल नहीं, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आप बने रहूंगा 24/7 के साथ। धन्यवाद।